नमस्ते गाइज, मेरा नाम है रुचित पवार। आप मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं स्टूडियो के माध्यम से। तो जैसे कि आपको बताया, मैं अभी अपने देहरादून के शहर में आ रखा हूँ, देहरादून द सिटी ऑफ लव में आ रखा हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है DIT में, उसने बोला कि रुचित तू कहाँ है, तो मैंने बोला यार देहरादून आ रखा हूँ। तो उसने बोला कि ऐसा कर, तू मेरे यहाँ DIT आ जा, थोड़ा घूम फिर लेंगे और थोड़ा चिल आउट कर लेंगे। तो ठीक है भाई, पहुँच जाते हैं हम DIT। तो आज मैं जा रहा हूँ DIT और आपको दिखाता हूँ DIT का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज कैसा है, और स्टूडेंट रिव्यू भी देख लेंगे अगर मिल जाए तो। बाकी चलते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा बात नहीं करते, फोन में बैटरी कम है और मेरे को जल्दी जल्दी भागना है। मिलते हैं तब। लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करिए, और चैनल नए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इसी से मेरा मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहूँगा, जो कि आपके लिए मैं लाते रहता हूँ। अभी मैं हूँ चंदनगर की गलियों में, और अब हम जा रहे हैं प्रिंस स्टॉप की तरफ, वहाँ से हम लेंगे विक्रम, फिर हम पहुँचेंगे ऐसे हॉल, और ऐसे हॉल से हम लेंगे बस, और डायरेक्ट पहुँचेंगे हम DIT। ठीक है, वहाँ धमाके भी अपार भी है। तो मैं आपके लिए देहरादून से लेके हरियाणा और दिल्ली से लेके मुंबई तक की हर जगह की वीडियो बनाऊंगा। बस यही है कि भाई आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मैं वीडियो बना पाऊंगा, नहीं तो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, फिर बूस्ट नहीं आता ना एक अंदर से, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो इसके लिए टैप। ठीक है, और मिलते हैं अब आगे की वीडियो में। कुछ करने के बाद आपके सामने है DIT यूनिवर्सिटी, और हम पहुँच चुके हैं। ये कुछ इस तरह का इसका सीन दिख रहा है। ठीक है, और हम अंदर की तरफ जाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा सीन है DIT यूनिवर्सिटी बस अंदर नकली, और उसके बाद हम अंदर की तरफ जाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा वाला सीन है। ठीक है, और यहाँ से हमने एंट्री ले ली है DIT यूनिवर्सिटी के अंदर, और दिखाते हैं आपको पूरा कैंपस कैसा रहेगा सीन। बस मजे करो और टैश करो और बस मेरे साथ घूमते रहो। ये मेन पार्किंग है। ठीक है, और ये वाला गर्ल्स हॉस्टल, ओ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये सारा गर्ल्स हॉस्टल है, बहुत बढ़िया दिखेगा, आपको दिखाते हैं आगे। हम देख सकते हैं गर्ल्स हॉस्टल, DIT का गर्ल्स हॉस्टल, सुंदर सुंदर कन्याएं यही होती है, तो आप यहाँ जरूर आइए। अगर अर्जेंट नहीं तो मैं अपने रूम पे चार्ज भी लगा सकता हूँ। शूट कैसे करूँगा? ओके, दिस इज द मेन बिल्डिंग। अच्छा, वेदांत यही है। तुझे पता है मेरे एक सीनियर है, उन्होंने अभी DIT छोड़ा रिसेंटली। तो ये है वेदांता, जो कि आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। ठीक है, ये मेन बिल्डिंग है, और बस अच्छा ये मेन बिल्डिंग है ना DIT के, वेदांता। इसके सामने हम यहाँ पे हमने फ़ोटो खींच, अब यहाँ हम फ़ोटो खींचाएंगे बहुत सारी। मैंने अनिमेश भैया को देखा है यहाँ फ़ोटो उसमें, मैं बोलता रहा हूँ, मेरे भैया है ना। अच्छा, जो DIT में थे वर्क आर्किटेक्चर। अच्छा, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, तो ये बातसू बिल्डिंग है, जाएगी सारे कॉलेजेस की अपनी अपनी बिल्डिंग होती है। तो यहाँ के फार्मेसी उसका नाम क्या है? अच्छा, ओके, हम यहाँ पे भी एक अच्छी सी फोटो क्लिक करेंगे वास्तु, फॉर श्योर हम वास्तु के बगल से जाएंगे। वास्तु यार, वास्तु। ठीक है, तो आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है, आपको दिखा रहे हैं DIT चरक। ओके, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, इसका नाम है चरक। एंड दिस इज क्या बोलते हैं इसे, टॉयलेट, वॉशरूम? नो नो। ओके, छोड़ मार गोली। DIT यूनिवर्सिटी हेल्थ केयर सेंटर है, बस ये मान के चलो आप लोग। ठीक है, फार्मरी, ये है DIT की इन्फॉर्मरी। ना जाने कोई डांटेगा नहीं, डांटेगा। कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? नर्सिंग। वी आर इन नर्सिंग डिपार्टमेंट, GNM यही होता होगा, और पोस्ट बेसिक भी, और BSc नर्सिंग भी। अरे वाह, मैन गर्ल हाउस, कॉम्पिटिशन, साइबर क्राइम। अच्छा, प्रोडक्ट डिजाइन, मेन बिल्डिंग के अंदर है। मेन बिल्डिंग, वी आर राइट, मेन बिल्डिंग कहाँ है? लाइट,
लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होता है बात सबको पता ही है। कॉलेज यात्रा मुझे सीरियस है, कॉलेज यात्रा के साथ में वो करना पड़ेगा, ये होता है कोलैब। ओके दिस इज़ ए ब्लड डोनेशन कैंप एरिया, अभी मतलब वो वाला एरिया जहाँ ब्लड डोनेशन होता ही है। रिसेप्शन, यस फॉर श्योर। ठीक है, एक मिनट, लोगो मेरा था कल यहाँ पे जियो का सिम मिल रहा था फ्री में। एयरटेल वाले जियो का, जियो वाले एयरटेल का पीछे पड़ा ना जियो वाला, हाँ उसको भगाना है ना। एडमिशन ऑफिस कहाँ है? ओके सो अब हम आ गए हैं डी आई डी कैफे कॉफी डे में। यहाँ हमसे फोटो खिंचाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पियेंगे। We are already full. पर नहीं, हम लोगों का बजट नहीं है मैन। हम क्लियर बताते हैं, हम अपनी वीडियो में क्लियर बताते हैं, अभी हमारा बजट नहीं है 1000 सब्सक्राइबर होने पे हम यहाँ कॉफी कैफे कॉपड़ी में आएंगे। सो इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड लुक देता है वो, और कुछ नहीं, जस्ट सिंपल। This is the building. कौन सी? विश्वकर्मा 08 ना, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। ओके ये क्या बन रहा है? ये आर्किटेक्चर वालों का कुछ काम। ओके आर्किटेक्चर का कुछ काम चल रहा है। ये कैफे फ्रिस्को, एंड दिस इज मैकेनिकल लैब। मैकेनिकल लैब, कैफे फ्रिस्को इज फेमस इन DIT। कितना गंदा बोला मैंने। अदर कैफे चीपर देन अदर कैफे DIT में आने तो कैफे फ्रिस्को में आ जाना। ओके नाउ वी आर गोइंग इनसाइड। तो ये मैकेनिकल की वो है, ठीक है, जिसमें बड़ी भयंकर भयंकर चीज DIT वाले ने बनाई ये गाड़ी। एंड दिस इज द मोस्ट बेस्ट इन दिस। ओके तो यहाँ पे बड़ा खतरनाक खतरनाक था कुछ। वो DIT यूनिवर्सिटी, ठीक है, बंदों ने खतरनाक मेहनत कर रही है यहाँ पे। इतने में अगर हमारी HNU में कुछ हो जाता तो फिर यूनिवर्सिटी का नाम हो जाता ब्रो। हॉस्टल कौन सा हॉस्टल? चार हॉस्टल है DIT में। ओके बाबा भाबा, दैट्स साराभाई, साराभाई है जो पीछे है, दैट इज रमन एंड होस्ट। और जो ये भारा है, ये भाबा है, ये किसका है? ये ग्रेजुएशन वालों का, मास्टर्स का? नो दैट्स द सेम थिंग है। और ये साराभाई फर्स्ट ईयर? साराभाई फर्स्ट ईयर, मोस्टली फर्स्ट ईयर। ठीक है, और बाकी जो इसमें आया, इसमें फर्स्ट ईयर भी आते हैं, सेकंड ईयर भी आते हैं भाबा में, और साराभाई में फर्स्ट ईयर, सिर्फ फर्स्ट ईयर। साराभाई में ओनली फर्स्ट ईयर। बीटेक भी हो गया, MCA भी हो गया, कोई भी फर्स्ट ईयर कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर? ठीक है, तो आपको दिखाते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर का पोर्शन। बस चैनल पे बने इसके साथ शेयर एंड कमेंट जरूर करेगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि इससे से मुझे मोटिवेशन मिलेगी जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाया कुछ पर मैं तब भी ट्राई कर रहा हूँ मैन। सो कैफे चल रहा है, कैफे चलते हैं और आप देखते रहो चैनल को और घूमते रहो मेरे साथ DIT का कैंपस फॉर श्योर। अच्छा इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है? अच्छा इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है? ब्रिज दिखाएंगे इसमें, हाँ फॉर श्योर। ये क्या है? दिस इज क्लास ना, दिस लुक लाइक दिस, क्लासेस लुक लाइक दिस, लेक्चर हॉल। नाइस,
ठीक है, तो हम पहुँच चुके हैं फोर्थ फ्लोर में और अब आपको दिखाते हैं कैंटीन या फिर कैफ़े जिसका नाम है द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग, ओ भाई साउथ कितनी महंगे भीड़ हो रखी है भाई, भाई याद खराब भीड़ हो रखी, शूट क्या करूँ मैं। अच्छा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये तीनों फ्लोर मतलब अगर टॉप जो भी है। अब यार हमारे लिए तो सिक्स्थ है, ये देखो नेक्स्ट के लिए चले वापस, चले चल लेते हैं यार वापस, चले घूम के समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ ज़्यादा। देख लो ये है डी आई टी के कैंटीन, द मेल्टिंग मेल्टिंग कैफ़े भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है आप देख सकते हो इसे। और बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसा वाला सीन है फिफ्थ फ्लोर पर जाके। यहाँ बच्चों ने नेस कैफे की कॉपी भी रखी है और मेरी औकात है नहीं अभी नेस कैफे की कॉपी नहीं, पर हम आपको दिखाते हैं। ये देखो अच्छा ना प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बना रहे जैसे कि हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे। Looks good. It was all about DIT vlog और इसके बाद आपको होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, जितना ही मैंने शूट किया, जितना ही मैंने आपको बताया, जितना ही मैंने आपको दिखाया, सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं आपसे चाहता हूँ कि बस एक ही चीज़ आप करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करो, चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि तीन और चार बार भी बोल चुका और पाँचवीं बार फिर से यही बोलूँगा कि भाई आप सब्सक्राइब करोगे तो भाई बूस्ट मोटिवेशन मुझे मिलेगी, मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाते रहूँगा, अच्छी अच्छी एडिटिंग लाते रहूँगा। अभी मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता, 1000 होने के बाद एडिटिंग स्टार्ट हो जाएंगी और मस्त मस्त नए नए अच्छे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लाऊंगा। तो यही था देहरादून का DIT, तब तक ले बाय बाय। अबे शूट ही नहीं किया, ऊपर भी कुछ है फिफ्थ फ्लोर, दिस इज द ब्रिज जो आपको हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, कैफे इन कैफे आपको दिखाएंगे, तो हम बताएंगे दबन बटन दबाएंगे, चार दबा दिया और हम पहुँचने वाले चार वाले फ्लोर में और आपको दिखाते हैं कैफे। इसमें ना लाइट रात में लाइट जलते थे बट अभी हटा दिया है। आइसक्रीम और भैया मैं रेट करता हूँ, हाँ टेंशन मत लेना अच्छा सा रेट कर दूँगा। भाई कबूतर थे, भैया इस कबूतर वहाँ पे कबूतर कॉर्नर भी है, ठीक है देख लो जीतने का। ओके हेलो क्यूटी बाय, डरना मत, ए बाकी रहे निर्भगी, ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एज यूजुअल, वॉशरूम में आपको नहीं दिखाऊंगा, डिपार्टमेंट DMS फिफ्थ फ्लोर। हर आगे से व्यू बहुत मस्त आएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप अच्छा सामने है हमारे हयात। ओके तो सामने है हमारा हयात होटल जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन देहरादून की कैटेगरी में आता है फॉर श्योर। हेलो फ्रेंड्स, मैं और हम जाते हैं आपको सिक्स फ्लोर की बिल्डिंग दिखाने के लिए और मजे करो बस, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करो। अब बाकी इतना सुंदर से यहाँ फोटो क्लिक कर सकते हो और बंदर बंदे यहाँ बैठे हुए और पीछे की तरफ लिप लॉक वाली भी एक जगह थी। तो ये है एयर स्पेस, अब आता है हम टॉप फ्लोर के विवेकानंद के एयर स्पेस में बैठ गए हैं। बिग बाइट आप देख सकते हो, ये कैफे थोड़ा रूफ टॉप वाला कैफे आ जाएगा, बिग बाइट है इसका नाम, ठीक है। अभी थोड़ी धूप हो रही है तो बड़ा मज़ा नहीं आएगा बट इन जनरल आपको फक देख सकते हो, इसका नाम बिग बाइट कैफे है और ये DIT के विवेकानंद के टॉप फ्लोर में है और वो देख सकते हो, अगर आपको दिखाना चाहो कि वो कबूतर का घर है। और पहले ये शूट कर लेता हूँ, ठीक है। आलू प्याज है इसका नाम, आलू प्याज भी बोल सकते हैं और एलो प्याज बेकरी, ये भी DIT की बेकरी है। और हम कौन सी बिल्डिंग में, अभी नाम बताएं इस बिल्डिंग का, बिल्डिंग का चाणक्य के अंदर है, चाणक्य नो सॉरी विवेकानंद, अच्छा विवेकानंद के अंदर है, विवेकानंद के अंदर है हम और फिफ्थ फ्लोर है। आलू प्याज भी बोल सकते हो आप इसे और एलो प्याज भी बोल सकते हो। बंदे यहाँ पे बैठे हुए और हम दिखाते हैं, हाँ जी ओके तो हम पहुँच गए हैं ब्रिज में और आपको दिखाते हैं DIT का एक प्यारा सा ब्रिज जो कि है आपके सामने, यहाँ से व्यू अच्छा आता है जो ये वाली जगह है। हाँ हाँ वाटर क्या पानी आता था बट आई डोंट नो अभी नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे एक सोसाइटी बनेगी DIT के बनने और ये ब्रिज है DIT का और वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वो बिल्डिंग वास्तु जो भी है। गर्ल्स हॉस्टल
सामने वाला आए यहीं जाना है अब वो टेम्पल है वो तो कौन सा मंदिर है नाम क्या है मंदिर का नेम शिव जी का है मे बी ओके यहाँ वो बन रही है और ये पूरा DIT का कैंपस देख सकते हो आप पूरा घूम आती है जैसे कि आप लोगों को बताइए कि ये मेक इन DIT यहाँ पे देखा तो हम आगे कैफे कॉम्पिटिटिव के सामने देखिए ये हमारा DIT का कैफे कॉम्पिटिटिव और आप जो सुबह मिसाल से जुड़े मदद से तो वही सबसे बड़ी बात है कि मेरा नाम है रॉबिन कुमार रक्षित कुमार अटवा और आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना चैनल में सब्सक्राइब करने की चीज़ें तो जो मोटिवेशन और बूस्ट मिलेगा और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहूँगा बाकी चैनल में जाकर देख सकते हैं बाय